नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जुलाई मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी प्रियंका भास्कर को 2000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी के एएसपी भैरूलाल मीना के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार सीमा ज्ञान की एवज में परिवादी से 8000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। परिवादी से 6000 रुपये पूर्व में ही ले लिए गए थे। आज शेष रुपये लेते समय एसीबी ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में एसीबी ने आरोपी पटवारी प्रियंका भास्कर के पति को भी पकड़ा है। पटवारी पत्नी के लिए पति महावीर दलाली करता था। पूर्व में 6000 रुपये भी महावीर ने ही परिवादी से लिए थे। भीलवाड़ा जिले के बागोर कस्बे के जंगल में सीआईडी अफसर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि सीआईडी के एएसआई सुरेंद्र सिंह का शव मिला है। शव के पास विषाक्त की शीशी भी मिली है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बीकानेर जिले के सैरोना थाना क्षेत्र के नाकाबंदी तोड़कर भाग कार सवार लोगों का पुलिस ने करीब 38 किलोमीटर दूर तक पीछा कर दबोच लिया। आरोपियों के पास से एक रिवॉल्वर व कार बरामद की गई है। एसपी प्रहलाद सिंह ने बताया कि श्री डूंगरपुर की तरफ से आ रही एक कार चालक ने अचानक रॉन्ग साइड से निकालते हुए नाकाबंदी तोड़कर कार भगा ली। पुलिस ने पीछा कर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के सुरजापुर निवासी जितेंद्र रणवीर सिंह और चंदपुरा हरियाणा निवासी दीपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर के एक मकान में शराब की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिए। इसके अलावा दो अन्य स्थानों से भी चोरी व छीनने की वारदात की गई। मुहाना थाना क्षेत्र के इस्कॉन रोड पर विजेंद्र सिंह राजपूत की शराब की दुकान में चोरों ने धावा बोलकर शराब के कार्टन में गल्ले में रखी नकदी पार कर दी। चोरी की दूसरी वारदात श्यामनगर थाना इलाके के नरेंद्र मोहन राठी के घर हुई, जहाँ से चोरों ने अलमारी से जेवरात व कीमती सामान चुरा लिया। जयपुर जिले के कोटकासिम में चलती कार में विस्फोट के साथ भीषण आग लग गई। कार सवार दोनों युवक कार से कूदकर सकुशल बच गए। सूचना मिलने पर पुलिस व दमकल के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के धिकाका गांव के पास बेगमपुर पुलिया पर यह घटना हुई है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बीकानेर जिले से शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। अब शिक्षकों के घर से ही काम करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक और समसा जयपुर दोनों से टिप्पणी मांगी है। जानकारी के अनुसार कोरोना रोकथाम के लिए शिक्षकों ने घर से ही काम करवाने की मांग की है। नागौर के एक घर से चोरों ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। महिला के चिल्लाने पर चोर भाग गए। इसके अलावा दूसरे घर में चोर सामान पर हाथ साफ कर गए। इसे लेकर लोगों ने पुलिस के प्रति नाराजगी जताई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑफिसर कॉलोनी में बासनी पुलिस पुलिये के पास स्थित कलेक्ट्रेट के कर्मचारी बनवारी लाल के मकान में चोर दिन दहाड़े चोरी करने घुस गया। घर में बर्तनों की आवाज सुनकर महिला देखने पहुंची तो चोर ने उसी पर हमला कर दिया। अलवर जिले के बानसूर कस्बे के हरसोरा पुलिस थाने में एक युवक से मारपीट कर 1 लाख रुपए छीनने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि राजेश निवासी आलनपुर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 12 जुलाई को सुबह दुकान से शिव ढाबे पर खाना खाने गया था। इस दौरान वहां पर किसी बात पर कुछ लोगों ने कहा सुनी हो गई, जिस पर 4-5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी जेब में रखे 1 लाख रुपए छीन लिए। राजधानी जयपुर में जमवा रामगढ़ बांध के पास एक चलती कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। कार के पेड़ से टकराने के बाद अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार में सवार 4 युवक अपनी सूझबूझ के चलते तुरंत बाहर निकल गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने का प्रयास किया। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर के कोटपुतली में अवैध खनन के मामले में 48 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन पर करीब 62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसकी गणना बाद में 230 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। विभाग के पास अब तक केवल 4 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई है, लेकिन मामला अदालत में जाने से अभी तक कोई रिकवरी नहीं हो पाई है।
सिरोही जिले के बयावर पिंडवाड़ा फोरलेन स्थित पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के बिरवाड़ा गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार वृद्ध दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से वृद्ध की उदयपुर ले जाते समय तथा वृद्धा की देर रात को मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सिरोही निवासी मदन रावल व उनकी पत्नी कमला रावल दोनों बाइक पर पिंडवाड़ा से सिरोही की ओर जा रहे थे। बिरवाड़ा मोड़ पर कार की टक्कर से मदन रावल व विमला रावल गंभीर घायल हो गए। कोटा जिले के विज्ञाना नगर थाना क्षेत्र में महिला की गला दबाकर हत्या करने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि महिला का शव कमरे में पड़ा मिला है। महिला की गला दबाने के साथ हाथ की नसें भी काटी हुई हैं। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। सिरोही महिला पुलिस थाना अधिकारी ने बरलूर थाना क्षेत्र से एक किशोरी से दुराचार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बरलूर थाने में गत 21 जून को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी किशोरी पुत्री को मनादर निवासी हिमताराम पुत्र बाबू भील बहला फुसलाकर ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया। बरलूर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी को गाँव से दस्तयाब कर लिया है। आबकारी अफसरों को वित्त विभाग ने फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकांश जिले राजस्व लक्ष्यों से पिछड़ रहे हैं। चालू वर्ष में वित्त विभाग को करीब 12,500 करोड़ रुपए अर्जित करने हैं, जबकि आबकारी विभाग पहली तिमाही में ही लक्ष्य से 40% नीचे रहे हैं। वित्त विभाग ने कहा कि जयपुर शहर जिला आबकारी की हालत भी खराब है। विभाग ने सभी जिलों की परफॉर्मेंस की फाइल वित्त विभाग में तलब की है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।